हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या आप सभी लोग बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ कॉम्पिटेटिव एग्जाम यानी कि जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं क्या उसकी तैयारी कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी। ओके, तो आज बहुत सारे लोग हमें ये कमेंट कर रहे थे कि भैया इसके ऊपर वीडियो बना, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको ये सारा जो भी कंफ्यूजन है इस टॉपिक के ऊपर आपका पूरा क्लियर कर दूंगा मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यार, गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी जो है इसका कोई लेना देना नहीं होता है बीएससी मैथमेटिक्स एग्जाम से। बिकॉज सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि आप कहाँ से बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कर लो। बिकॉज अगर आप किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर रहे हो जहां पे अटेंडेंस मैंडेटरी है या फिर जहां पे आपको जो थोड़ा स्ट्रिक्ट है, मतलब रूल्स जो है थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वहां पे आपको जो है बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में ज्यादा टाइम देना पड़ता है। बट यहाँ पे कुछ ऐसे भी इंस्टीट्यूट है हमारे देश में जहां पे आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं होती है बीएससी मैथमेटिक्स में। आपको बस वहां पे जो है मतलब एक नॉर्मल पढ़ाई करनी होती है और आपको बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में आगे कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको जो है गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है। बस आपको बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स एक आपको जो है डिग्री के लिए चाहिए। तो देखो यहाँ पे बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स के साथ यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना बिल्कुल आसान है। सबसे पहली बात, आपको देखो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में ऐसा नहीं है कि आपको 10-10 घंटे पढ़ने पड़ेंगे उसको पास करने के लिए। आपको सिंपली 2 से 3 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटे एग्जाम्स टाइम में भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको कम से कम 2 घंटे देने पड़ेंगे क्योंकि बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स को आप मजाक में भी नहीं ले सकते। बिकॉज इसका रीजन ये है कि इसका एक लेवल अच्छा खासा है, लेवल अच्छा है। साथ ही साथ जो है आपको अगर यहाँ पे अच्छे मार्क्स आते हैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स में तो आगे भी आपको काम आएगा। क्योंकि अभी आप 12th पास आउट होकर बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हो तो अब यहाँ पे जो आप बस यहाँ पे SSCHSL जो होता है या फिर एयरफोर्स नेवी एनडी इन सबके एग्जाम्स देने वाले हो। बट आपकी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी यानी कि बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स जब कंप्लीट हो जाएगी वहां पे आपको जो है एक अच्छे लेवल की आपको जो है गवर्नमेंट एग्जाम्स की फॉर्म मिलेगी। और वहां पे आपको अगर अच्छा मार्क्स नहीं रहेगा ग्रेजुएशन में तो वो भी आपको थोड़ा सा इशू कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग आराम से, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बस आप लोग ये ध्यान रखना कि आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो और वहां पे आपके मतलब किस लेवल से आपको पढ़ाया जा रहा है, कितना वहां पे स्ट्रिक्ट रूल है। अगर उन सबको देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको यहाँ पे प्रिपरेशन करने में आपको आसानी होने वाली है या कठिनाई होने वाली है। मैं आपको अपना ओपिनियन दूं तो आप आराम से रखो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स और साथ ही साथ आप अपने गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। बिल्कुल भी मत डरो कि मैं बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स रख लिया तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं बहुत सारे बच्चे को देखा हूं, बहुत सारे सीनियर्स को देखा हूं जो वहां पे बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स करने के साथ साथ आपका जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे तरीके से की और ग्रेजुएशन में रहते ही उन्होंने एग्जाम्स को क्वालिफाई किया और गवर्नमेंट जॉब पा ली है। तो ये बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा था तो मैं आज इस वीडियो को बनाया हूं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और बिल्कुल मत डरो, आप आराम से बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स करो और आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको जो भी डाउट्स हो कमेंट कर देना, मैं फिर से इस तरह के वीडियोस बना दूंगा, आपका डाउट्स क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।